अब देखो एमसीयू के अंदर आयरन मैन के रिटर्न होने का पता नहीं, बट ये बात ऑलमोस्ट 100% के साथ कंफर्म हो चुकी है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इंडियन सुपरस्टार धनुष की बैंगर ऑफिशियल एंट्री होने वाली है। बट यहाँ पर सुपरमैन को वुल्वरीन बनाने वाला 250 किलो का क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर धनुष का कैरेक्टर एमसीयू के अंदर सुपर विलन का होगा या सुपर हीरो का। तमिल गैंगस्टर राज करेगा। मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए। तो सौ बात की एक बात ऐसी है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर इंडियन फैंस की तरफ से हमेशा से एक तगड़ी डिमांड और इंटरेस्ट रहा है। इस बात को लेकर कि मार्वल की जायंट सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक प्योर इंडियन सुपर हीरो मूवी हमें देखने को मिले। बट लगता है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इंडियन सुपर हीरो नडी फैंस की ये डिमांड या ड्रीम 2026 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी अवेंजर 5 या कहूं अवेंजर डूम्सडे इस इवेंट सुपर हीरो फिल्म के अंदर पूरी होने वाली है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर पूरा वर्ल्ड अवेंजर्स डूम्सडे को देखते हुए रॉबर्ट डॉनी जूनियर की मार्वल की कमबैक को हाईली सेलिब्रेट करेंगे, वहीं इंडिया में हमारे जैसे फैंस अवेंजर 5 को विसल बजाते हुए इसलिए सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी के अंदर एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट इंडियन कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसे कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार धनुष प्ले करने वाला है। और ये बात मार्वल के वर्ल्ड के हर फैन को पता है कि अवेंजर 5 और 6 डूम्सडे और सीक्रेट वॉर को कोई और नहीं बल्कि एमसीयू के अंदर आइकॉनिक इन्फिनिटी सागा को डायरेक्ट करने वाले द रूसो ब्रदर्स ही अपनी यूनिक स्टाइल में डायरेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ये जो धनुष के मार्वल के अंदर एंट्री होने के जो रूमर्स चल रहे हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट की तरह 50% के चांसेस के साथ कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि लॉजिकली अगर तुम रूसो ब्रदर्स का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखोगे, स्पेशली मार्वल के बाद के फिल्म मेकिंग का, तब इन बंदों ने आर रेटेड एक्सट्रैक्शन, क्योटिक द ग्रे मैन और द सिटाडेल जैसे प्रोजेक्ट्स को बनाया है। और इन सारे गरम नरम प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे कॉमन बात ये थी कि इन मूवीज के अंदर किसी ना किसी एंगल से एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कैरेक्टर एक्टर के साथ तुम्हें देखने को मिलता है। फिर चाहे वो एक्सट्रैक्शन के अंदर रणदीप हुड्डा हो, सिटाडेल के अंदर प्रियंका चोपड़ा, इसके यूनिवर्स में एक इंडियन ओरिजिन के साथ वेब सीरीज भी बनी है सिटाडेल हनी बनी के नाम से जिसमें समंथा और वरुण धवन लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और मैडनेस से भरी द ग्रे मैन को कैसे भूल सकते हो जिसमें अगेन धनुष का द लोन वुल्फ का कैरेक्टर अपने पावरफुल एक्सटेंडेड कैमियो से पूरा इंडिया हिला दिया था। कहने का मतलब यह है कि रूसो ब्रदर्स के फिल्म मेकिंग के इस कनेक्शन से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि बंदों को इंडियन कैरेक्टर्स पसंद है अपने फिल्मों के अंदर ऐड करने के लिए, वो भी बिना किसी स्टीरियोटाइप के एकदम स्ट्रांग कैरेक्टर्स होते हैं। और वोकिज्म के चलते जिस तरीके का आज के डेट में मार्वल की हालत है तो वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के मैजिक को फिर से एक्टिव करने के लिए पहले की तरह डायरेक्टर्स के डिमांड्स को अनदेखा नहीं कर सकते, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल मार्वल की रिसेंट रिलीज हुई मूवी मैड मैन डेडपूल एंड वुल्वरीन थी, जिसका ऑलमोस्ट एंड गेम के बाद से किसी भी मार्वल कंटेंट के साथ बिल्कुल भी लेना देना नहीं था। और मार्वल के अंदर यही फैन सर्विस देने वाली क्रिएटिविटी का फ्रीडम रूसो ब्रदर्स को भी चौड़े में मिल चुका है। यही रीजन था जिस वजह से आयरन मैन के कल्ट कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर की एंट्री वापस एमसीयू में हुई। तो ऐसे में रूसो ब्रदर्स के नेम को लिंक करते हुए चौड़े रूमर्स फैल रहे हैं कि धनुष की एंट्री एमसीयू में होगी, तो तंत्र मंत्र लॉजिक लगा के देखा जाए तो ये क्योटिक चीज होने की 99% के साथ पॉसिबिलिटी है। ऐसे में 1 मिनट के लिए भी अगर धनुष का मार्वलस कैरेक्टर डूम्सडे के अंदर देखने को मिलेगा तो बंदा वो पहला फ्रीकिंग इंडियन एक्टर होगा जिसने मार्वल की ऑफिशियल अवेंजर मूवी के अंदर अपीयरेंस किया हो। बट अगेन मारी को हल्क बनाने वाला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर धनुष का कैरेक्टर अवेंजर 5 के अंदर देखने को मिलेगा तो क्या वो एक इंडियन सुपर हीरो होगा या फिर एक डेडली किलर सुपर विलन या फिर एक बेसिक इंडियन ह्यूमन का कैरेक्टर प्ले करेगा। इस पर तुम्हारे जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है बिना किसी कंपैरिजन के साथ कमेंट करके बता सकते हो। This is Lone Wolf. Over. Hello, my sexy Tamil friend.